आने वाले समय में जल संकट एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री खुद इसका जिक्र मन की बात में कर चुके हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार भी सजग नजर आ रही है। इसी के चलते विकासखंड राया के सभागार में आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जल शक्ति मिशन के तहत जल संरक्षण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विकासखंड अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जल शक्ति मिशन के तहत वृक्षारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर बाड़ी पर कार्य किया जाना है। उसी को लेकर आज सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये सभी कार्य 15 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। ये आज जो बैठक आयोजित की गई है, जल संरक्षण को लेकर क्या योजना है? ये जल शक्ति मिशन के अंतर्गत हमें कई तरह के काम करने हैं, जिसमें वृक्षारोपण है, वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर सेट डेवलपमेंट है, ट्रेडिशनल वाटर बॉडी को बनाना है। इसमें कई ऐसे काम हैं जिनको हमें पूर्ण करना है और 15 सितंबर तक। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारा कार्य चल रहा है, कार्य में शिथिलता ना आए, इसी लिए समस्त स्टाफ की मीटिंग बनाई थी और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सही समय के अंदर उसको किस तरह वो पूर्ण कर पाएंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।